सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो में लेके आया आप लोगों के लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर मैन हंट का कैंपस। तो कैंपस के साथ जिसके अंदर तुम लोग काफ़ी सारे देखे हुए वीडियोज़ जिसके अंदर मैन हंट किया जाता है विथ अ कैंपस, मतलब उस कैंपस के साथ तुम लोग को मिलने वाला इस माइनक्राफ्ट में किसी वर्ल्ड के अंदर तुम मैन हंट कर सकते हो। कैंपस तुमको आराम से मिल जाएगा जिससे तुम लोग मैन हंट का फुल एक्सपीरियंस कर सकते हो, बिल्कुल ड्रीम लाइक प्ले कर सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम की होने वाली बात नहीं है, तुमको कोई मैप वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से एक कमांड इसको एक्टिवेट करने तुम लोग उस कंपास को यूज़ कर सकते हो। बाकी एक सिंपल सा ऐड ऑन है, इसको एक्टिवेट करना एंड प्ले करके आराम से कर सकते हो। कोई कमांड्स वगैरह की ज़्यादा झंझट नहीं, कमांड ब्लॉक की झंझट नहीं है। तो आराम से इसको वीडियो को लास्ट तक बस देखते रहो। बाकी चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब कर ही जाना। बाकी चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग एक वर्ल्ड बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल सीधे से बना लेना। जैसे कि मेरे को होस्ट करना है वर्ल्ड, तो मैं आपसे होस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोई भी होस्ट करना, बस उसके पास वो ऐड ऑन होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्ल्ड को क्रिएटिव। तुम लोग चाहो सर्वाइवल भी रख सकते हो, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी एक्सपेरिमेंट सारे ऑन कर लेना तभी जाके वर्क करेगा। बाकी एक्सपेरिमेंट्स ऑन करने के बाद तुमको क्या करना है, चिट्स एक्टिवेट कर लेना, तब बिना चिट्स एक्टिवेट किए चलेगा नहीं। बाकी रिसोर्स वगैरह तुमको कोई पैक देखने को मिलेगा नहीं, सीधा बियर पैक में जाना है। यहाँ पर देखो मैन एंड ऐड ऑन इसको कर देना सिंपल एक्टिव एंड क्रिएट कर लेना अपने वर्ल्ड को। लेकिन उससे पहले मल्टीप्लेयर ऑन करना मत भूलना, मल्टीप्लेयर ऑन करके सिंपल वर्ल्ड को कर देना क्रिएट। एंड अभी देखो कोई भी मैंने मैप वगैरह डाला नहीं है, सीधा एक वर्ल्ड क्रिएट किया एंड ऑन हो चुका है। एंड अभी हम लोग उस वर्ल्ड को ज्वाइन कर चुके हैं। एंड अभी वेट करने वाला हूँ मैं अपने फ्रेंड का, यानी कि मेरा ही एक दूसरा अकाउंट है उसी से मैं ज्वाइन करता हूँ इस वर्ल्ड को। एंड उसके बाद तुमको दिखाता हूँ क्या होने वाला है। तो देखो मैंने अपना सेकंड अकाउंट से ज्वाइन कर लिया है, तो मैंने दूसरे दोनों फोन से ज्वाइन कर लिया है। एंड ये सामने वाला अकाउंट मेरा ही है। तो अभी बताऊंगा तुमको कैसे मतलब शुरू करना है इस गेम को एंड किस तरह से तुम लोग प्ले कर सकते हो। तो अभी देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि तुम लोग दोनों दो चॉइसेस होंगे, या तो तुम हंटर बन सकते हो या फिर तुम स्पीड रनर बन सकते हो। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या बनना है। तो अगर मुझे स्पीड रनर बनना है तो तुमको एक कमांड लिखनी पड़ेगी। अगर तुमको हंटर बनना है तो तुमको कोई कमांड नहीं लिखनी है, लेकिन अगर तुमको स्पीड रनर बनना है तो तुमको एक कमांड लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पीड रनर बन रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्लैश फंक्शन स्टार्ट। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश फंक्शन स्टार्ट लिखूंगा, यहाँ पे देख सकते हो हमें मिल जाएगा ऊपर की ओर आ चुके कुछ कमांड्स ब्लॉक्स। एंड ऊपर में देख सकते हो खुद ब खुद कमांड्स ब्लॉक आ चुके हैं। एंड हमारे जो भी प्लेयर अपना दोस्त है उसको कंपास मिल चुका होगा खुद ब खुद। तो अगर हम लोग को हार्ड स्पीड रनर बनना है तो हम लोग बना दिए भाई अपना ये कमांड लिख देंगे। बाकी अगर तुमको स्पीड रनर नहीं बनना, हंटर बनना है, तो अपने दोस्त को बोलना ये कमांड लिखने के लिए, तो वो कमांड लिखेगा। तो तुम लोग आराम से हंटर बन जाओगे यानी हंट कर सकते हो कभी भी। तो देख सकते हो अभी हमारा सामने वाला बना हुआ है भाई, मतलब कि दिखाता हूँ मैं तुमको उस स्क्रीन पर भी जा करके। तो देखो अभी इसके हाथ में कंपास आ चुका है, ये कंपास बिल्कुल हमारे ऊपर ही पॉइंट करेगा। जहाँ पर भी हम लोग जाएंगे वहीं पर ये पॉइंट करेगा। तो तुमको दिखा देता हूँ उस स्क्रीन पर जा करके। देखो तो अभी हम लोग आ चुके हैं ये वाले स्क्रीन पर। एंड देखो मैंने वहाँ से कमांड डाली है, हम लोग बन चुके हैं हंटर। एंड यहाँ पर देख सकते हो कंपास अपना पॉइंट करना शुरू कर चुका है अपने बंदे के ऊपर। एंड देखो यहाँ पे ऊपर में भी आ चुके हैं कमांड्स ब्लॉक, तो देख सकते हो जो कि मैं देखने गया था ऊपर की ओर, तो सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो देख सकते हो अपना पॉइंट भी कंपास भी वहीं पॉइंट कर रहा है जिधर हम जा रहे हैं। अभी जिधर जिधर मैं जाऊँगा उधर उधर ही कंपास बिल्कुल पॉइंट करेगा। बाकी अगर हम लोग इसमें किल हो जाते तो क्या होगा वो भी बता दूंगा तुम लोग को। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो कि अगर हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे देख लो कंपास वहीं पर पॉइंट कर रहा है। बाकी अपना नेट है थोड़ा सा अच्छा रखना वरना स्लो चलेगा तो मुश्किल होगा। मेरा नेट अभी स्लो चल रहा है, इसलिए लैग कर रहा है थोड़ा सा। बाकी तुम लोग देख सकते हो कि जिधर भी हम लोग जा रहे हैं उधर उधर पॉइंट कर रहा है कंपास, तो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है अपना काम। बाकी यहाँ से देखो अभी मैं खुद भी चल रहा हूँ, तो देख सकते हो आराम से अपना कंपास पॉइंट कर रहा है उसी की ओर जिधर हमने जाना है। तो चलो अभी चलते सर्वाइवल के अंदर। एंड सर्वाइवल में भी तुमको दिखा देता हूँ क्या करना है इसके साथ। तो अभी आ चुके हम लोग सर्वाइवल के अंदर। एंड देखो अगर मैं इसको किल कर देता हूँ पूरी तरह से, देखो मैंने इसको किल कर दिया। किल करने के बाद अगर रिस्पॉन करता हूँ तो रिस्पॉन होने पर हमें वापस मिल जाएगा अपना कंपास। देख सकते हो कंपास मिल चुका है और हम लोग वो लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है खुद ब खुद। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी। बाकी कंपास लगने वाले वापस जाना नहीं पड़ेगा हमें कंपास लेने। एंड अगर तुम लोग यहाँ पे किल कर लेते हो अपने हंटर को किल कर देते हो तो कंपास तुमको भी मिल जाएगा, बट ये नॉर्मल कंपास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंपास में बन जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुमको इसको कोई मतलब नहीं बनेगा। बाकी अपने फ्रेंड को वापस से नया कंपास मिल जाएगा मरने के बाद भी। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर अपने फ्रेंड को नया कंपास मिल चुका है। तो यार गाइस आज की वीडियो में बस इतना। अगर तुम लोग वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके जाना, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करके बजा देना। और हाँ अभी तक अपना इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।